वेलकम बच्चों, मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार। जी हां बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मदद के लिए बनाया गया है। अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो पसंद आता है, थोड़ा भी पसंद आता है, तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। और आइए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे चैप्टर 3। ये क्लास 3 का इंग्लिश बुक है। इस चैप्टर का नाम है टिट फॉर टैट। इसका अर्थ होता है जैसे को तैसा। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देयर वेर टू क्लेवर मैन, दो चालाक व्यक्ति थे। दे लिव्ड इन ये विलेज, वे दोनों एक गांव में रहते थे। देयर नेम्स वेर सुधीर एंड नारायण, उनके नाम सुधीर और नारायण था। सुधीर वाज जेंटल एंड ऑनेस्ट, बट नारायण वाज वेरी ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। सुधीर बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन नारायण बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का व्यक्ति था। बोथ वेयर नाइबर्स, दोनों ही पड़ोसी थे। वंस सुधीर डिसाइडेड टू गो टू डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, एक बार सुधीर ये फैसला लेता है कि वह बिजनेस करने के लिए कहीं दूर जगह जाएगा। ही हैड नो वन टू लुक आफ्टर हीज हाउस एंड मनी, उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके घर को और उसके पैसों को देखभाल कर सके। ही वेंट टू नारायण हिज नियर बाय नाइबर, वह अपने पड़ोसी के पास गया नारायण के पास। सुधीर सेड टू हिज नाइबर नारायण, सुधीर अपने पड़ोसी नारायण को कहता है, आई एम गोइंग टू डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, मैं बिजनेस के लिए कहीं दूर जा रहा हूँ। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, मुझे बहुत लंबा समय लगेगा। प्लीज लुक आफ्टर माई हाउस एंड दिस बैग विथ मनी, कृपया करके मेरे घर और मेरे रुपयों का देखभाल कर दीजिए। नारायण बिकम वेरी प्लीज्ड हियरिंग द वर्ड मनी, नारायण पैसों का नाम सुनकर बहुत ही खुश होता है। ही सेड, और वह बोलता है, डोंट वरी आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग विथ प्रॉपर केयर, ये चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ आपका देखभाल कर दूंगा और ठीक तरीके से देखभाल करूंगा। हैव फेथ मी, कि मेरे ऊपर विश्वास रखिए। दस सुधीर हैंडेड ओवर हिज हाउस एंड मनी टू नारायण एंड सेट आउट ऑन हिज जर्नी, इस प्रकार सुधीर अपना घर और पैसा नारायण के हवाले कर देता है और जर्नी के लिए निकल जाता है। सुधीर डिड नॉट कम बैक फॉर ए लॉन्ग टाइम, सुधीर बहुत लंबे समय तक नहीं आता है। नारायण थॉट दैट सुधीर वुड नॉट कम बैक, नारायण सोचता है कि सुधीर अब वापस आने वाला नहीं है। सो नारायण टुक आउट द मनी फ्रॉम द बैग, इसीलिए नारायण बैग से पैसे निकाल लेता है। ही फिल्ड इट विथ अर्थ, वह उसमें मिट्टी भर देता है। बट आफ्टर सम टाइम सुधीर सडनली कम बैक एंड ही वेंट टू हिज नाइबर नारायण टू थैंक हिम एंड टू गेट हिज बैक मनी बैक। लेकिन एक दिन अचानक सुधीर वापस आ जाता है। वह अपने पड़ोसी नारायण के पास जाता है और उसको धन्यवाद कहता है और वह अपना पैसा वापस मांगता है। सुधीर सेड थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर माई हाउस एंड मनी, सुधीर कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे घर और पैसे का देखभाल किया। नारायण गेव हिम हिज बैग, नारायण उसका बैग उसको वापस दे देता है। सुधीर ओपन द बैग बट ही डिड नॉट फाइंड मनी इन द बैग, सुधीर अपने बैग को खोलता है लेकिन उसमें उसे कोई पैसा नहीं मिलता। वेयर इज माई मनी आस्क सुधीर, सुधीर कहता है कि कहाँ है मेरा पैसा। नारायण बिकम वेरी सरप्राइज्ड एंड आस्क, नारायण भी आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, इज नॉट देयर मनी,
क्या इसमें पैसे नहीं हैं? ओ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट मस्ट हैव चेंज इनटू डस्ट, कि ओ बहुत लंबे समय के बाद लगता है कि पैसा जो है वो मिट्टी में चेंज हो गया, बदल गया है। सुधीर वॉज वेरी सैड, सुधीर बहुत दुखी होता है। नारायण चीटेड हिम, नारायण ने उसे धोखा दिया। ही वेंट टू हिज हाउस क्वाइटली, वह अपना घर चुपचाप चला जाता है। सुधीर बिल्ट अप ए ग्रैंड हाउस विद द मनी ही हैड अर्न एंड ब्राउड, सुधीर एक बहुत बड़ा घर बनाता है वो उस पैसे से जो कमा कर बाहर से लेके आया था। ही लेबर हार्ड एंड बिकम वेरी रिच, वह बहुत मेहनत करता है और फिर बहुत धनी बन जाता है। वन डे नारायण वेंट टू सुधीर्स हाउस एंड ही सेड, एक दिन नारायण सुधीर के घर जाता है और वह कहता है, यू हैव ए ग्रैंड हाउस, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर है। प्लीज़ कीप माई सन विथ यू बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू सम डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, कृपया करके मेरे बेटे को आप अपने घर में रख लीजिए क्योंकि मैं बिजनेस के लिए कहीं दूर जगह जा रहा हूँ। सुधीर एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, सुधीर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। नाउ सुधीर हिट अपॉन ए प्लान, अब सुधीर के दिमाग में एक प्लान आता है। ही बाउट ए पैरोट एंड केप्ट इट इन द केज, वह एक तोता खरीदता है और उसे एक पिंजरे में रख देता है। सुधीर ट्रेंड अप द पैरोट टू स्टे समथिंग, सुधीर उस तोते को ट्रेंड करता है, उसे कुछ सिखा देता है कुछ बोलने के लिए। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स नारायण कम बैक, कुछ महीनों बाद नारायण वापस आ जाता है। ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज नेबर एंड आस्क्ड फॉर हिज सन, वह अपने पड़ोसी के घर जाता है और अपने बेटे के बारे में पूछता है। सुधीर केप्ट द पैरोट बिफोर नारायण, सुधीर पैरोट को उसके पास रख देता है, उसके आगे रख देता है। नारायण बिकम वेरी सैड एंड एंग्री, नारायण बहुत ही उदास हो जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। जस्ट देन द पैरोट सैड, और तभी पैरोट जो है वो बोलने लगता है, फादर आई एम योर सन, द पैरोट रिपीटेडली सैड, तोता जो है वो लगातार इसको रिपीट करते रहता है, फादर आई एम योर सन, इस तरह से वो बोलते रहता है। नारायण सेड टू सुधीर, नारायण सुधीर से कहता है, वेयर इज माई सन, मेरा बेटा कहाँ है। सुधीर सेड, योर सन हैज चेंज्ड इनटू ए पैरोट एज द मनी चेंज्ड इनटू डस्ट, तुम्हारा बेटा एक पैरोट के रूप में बदल गया है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार पैसा डस्ट के रूप में बदल गया था, मिट्टी के रूप में बदल गया था। नारायण अंडरस्टूड एवरीथिंग, नारायण को सब कुछ समझ में आ जाता है। नारायण रिटर्न द मनी टू हिज नेबर सुधीर, वह सुधीर का सारा पैसा वापस कर देता है। एंड सुधीर रिटर्न हिज सन, और सुधीर उसको उसका बेटा वापस कर देता है। नारायण टुक अवे हिज सन, नारायण अपने बेटे को लेके चला जाता है। इट वॉज जस्ट ए टिट फॉर टैट, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जैसे को तैसा। यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वेयर द नेम ऑफ टू क्लेवर मैन, द नेम ऑफ टू क्लेवर मैन वेयर सुधीर एंड नारायण। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज सुधीर, सुधीर वॉज ए जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन। वट टाइप ऑफ मैन वॉज नारायण, नारायण वॉज ए डिसऑनेस्ट मैन। वाई डीड सुधीर आस्क हिज नाइबर नारायण टू लुक आफ्टर हिज हाउस, सुधीर आस्क सो बिकॉज ही हैड टू गो टू डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस। डिड नारायण बिकम एग्री टू लुक आफ्टर the house and why, hearing the word money Narayan did not become angry to
look after the house. When Sudhir came back to Narayan, did he give his money? When Sudhir came back to Narayan, he did not give his money. Narayan told Sudhir that it must have changed into dust a long time. Why did Narayan keep his son with Sudhir? Narayan kept his son with Sudhir because he had to go to some distant place for business. How did Narayan get his son? Narayan returned his money and so Sudhir also returned his son. 2 number question में fill in the blanks दिया हुआ है जिसका मैंने answer direct answer लिख दिया है. यहाँ से आप अपने बुक से क्वेश्चन को देख के इसको भर सकते हैं. यहाँ पे चैप्टर 3 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है और इसके आगे पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में जाएंगे. तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं.